Assalamualaikum everyone. This is Ali from Masek. और दोस्तों हम आए हुए नॉर्दर्न एरियाज में, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग को तीन मिड रेंज फोन्स का कैमरा कंपैरिजन दे दिया जाए। साथ के साथ हम लोग चेक करेंगे कि अगर लेट सपोज आप कहीं घूमने फिरने आते हैं समर से, अपनी जो आपकी छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, उसमें तो आपको ये फोन कैसे देखने को मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ स्पेसिफिकेशन की अगर सरसरी सी बात कर ली जाए तो तीनों ही फोन जो है वो रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर लेके आते हैं, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल के बाकी सेंसर देखने को मिलते हैं, फुली AI बेस्ड कैमरा ऐप देखने को मिलती है, और इस टाइम भी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इन्हीं फोन से हो रही है 1080p 30fps पर। बट माइक की क्वालिटी इस टाइम मैं जो हूँ वो मैं यूज करूंगा Redmi Note 10 S की, और जैसे जैसे हम लोग माइक की क्वालिटी को जो है वो स्विच करते रहेंगे वहाँ वहाँ आपको अंदाजा हो जाएगा। और तीनों ही फोन्स के रियर के साइड से आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, उसको भी चेक कर लेते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा थोड़ा सा चल के दिखाएगा मेरे साथ, और आपको भी हम लोग ग्रास जो है वो दिखाएंगे कि कैसे देखने को मिलती है। और यहाँ हमें कुछ स्टेबलाइजेशन इस तरह की देखने को मिलती है, जो A32 है वहाँ पर हमें रियर साइड पर कोई भी 1080p 60fps या 4K 30fps का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सो उसको हम लोग ज़्यादा चेक नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर वही हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे जो कि हमारी कॉमन मिलती हैं तीनों ही फोन्स में। अब ये तो होगी रियर कैमरा की बात, आप लोग अंदाजा हो गया होगा ये फ़ोन कैसा काम करते हैं कैसा नहीं। बात करते हैं कुछ फ्रंट कैमरा की, और होप्स हो के बाबू से टॉपर कहीं बर्फ हो रही हो तो उसका भी मैं आपको क्लिप दे दूंगा। अब तीनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और भाई सीरियसली में ये जो ग्रीन कलर है ना आँखों को बड़ा मज़ा करता है। लेकिन साथ साथ हम लोग चेक करते हैं कि ये फ़ोन कैसा काम करते हैं। ऑल दो तीनों ही फ़ोन मैंने एक गोरिल्ला पॉड पर लगाए हुए हैं, चलते हुए कोई ऊंच नीच वाली जगह आएगी लेकिन हमें शेकीनेस का अंदाजा आएगा कि कौन सा फ़ोन जो है शेकीनेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो गैलेक्सी A32 है वो काफ़ी वाइडर एरिया शो कर रहा है, बाकी दोनों फ़ोन में हल्का फुल्का मुझे ज़रा क्रॉप सेंसर देखने को मिल रहा है। बट Redmi Note 10 S में ज़्यादा क्रॉप सेंसर है, जब भी आप वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं तब आपको क्रॉप सेंसर देखने को मिल जाता है। ऐसे डायरेक्ट सनलाइट को सामने ले आते हैं, अब इस टाइम मेरे चेहरे पर जो है सनलाइट पड़ रही है, और डायनामिक रेंज का भी आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पर तीनों ही फोन्स की कैसी डायनामिक रेंज फ्रंट कैमरा में देखने को मिलती है। SDR कैसा काम करता है, फोकस दोबारा से चेक करते हैं तो यहाँ फोकस का भी आपको अंदाज़ा होगा, और साथ के साथ बाकी चीज़ों का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और जो हमारे ये फ़ोन है ये फ्रंट साइड से तीनों ही मैक्सिमम 1080p 30fps को सपोर्ट करते हैं, रियर 60fps से भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, रियर 4K से भी रिकॉर्ड की है। बट जैसे गाड़ी में कोई लोग शॉर्ट्स रिकॉर्ड करते हैं हमने उसको एडजस्ट किया है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये तो बात होगी वीडियोग्राफी की, और साथ साथ हम अगले पार्ट्स में स्लो मोशन की भी बात करते हैं, साथ साथ बात करते हैं कुछ पिक्चर क्वालिटी की। होप सो कि आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा, और होप सो कि आपको वीडियो भी पसंद आएगी, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। ओके जी दोस्तों, अगर बर्फबारी हो रही हो, लेट्स सपोज आप किसी स्नोफॉल एरिया में जा रहे हो, यहाँ हम दिखाएंगे कि भाई आपको इन फोन्स का कैमरा लेट कैसा मिलता है स्नो फॉलिंग में। और भाई इस तरह से कुछ सीन वीन है, स्टेबलाइजेशन यहाँ ज़्यादा नहीं चेक कर रहा पाऊंगा क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा नहीं है। बट यहाँ पर हमारे कुछ इस तरह से है भाई कि फुल टाइम स्नो पड़ चुकी है, और थोड़ा सा चल के देख लेते हैं और देखते हैं कि रियर के फ्रेम यहाँ स्नो फॉलिंग में हमें तीनों ही फोन्स के कैसे देखने को मिलते हैं। और ये रिकॉर्डिंग 1080p 30fps पर मैं कर रहा हूँ, और यहाँ कुछ इस तरह से सीन है, और डायरेक्ट जो स्नो है मेरे चेहरे पर आ रही है। वो तीन दिन में तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास कैसा देखने को मिलता है। ये थी स्नोफॉलिंग फ्रंट कैमरा, बात करते हैं बाकी पार्ट। अब ये क्लिप भाई Realme 8 और Redmi Note 10 S से 1080p 60fps पे बनाया गया है। ऑल दो हमें Galaxy A32 में 1080p 30fps ही मैक्सिमम मिलता है, लेकिन अगर डिटेल की बात करूँ तो सीरियसली 1080p 30fps फ्रेम ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड कर रहा है मुझे यहाँ पर लगा। लेकिन यहाँ स्मूथनेस की बात करता हूँ 1080p 60fps या Redmi Note 10 S की 1080p 60fps की, तो मुझे Redmi Note 10 S 60fps में स्मूथनेस में ज़्यादा बेटर लगा, लेकिन फ्रेम या फोकस में कहीं कहीं Realme 8 और Redmi Note 10 S दोनों ही स्ट्रगल करते हैं। ऑल दो 1080p 30fps में A32 का जो फोकस है और फ्रेम्स हैं वो ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहे हैं। बट ये क्लिप बनाने का मकसद ये कि हम 60fps की डिटेल को ज़रा चेक कर सकें कि क्या क्या देखने को मिलती है। अब इस क्लिप की बात करते हैं तो डेडिकेटेड जो तीनों ही फोन्स के अंदर स्टेबल मोड मिलता है, डेडिकेटेड स्टेबलाइजेशन के लिए जो मोड मिलता है वो मैंने ऑन किया हुआ है, और यहाँ नो डाउट Redmi Note 10 S का क्लिप आप नोटिस करेंगे काफ़ी स्मूथ है। हालांकि मूविंग ऑब्जेक्ट से गाड़ी में जा रहे थे, रोड भी ऊपर नीचे था, कोई शेकीनेस देखने को नहीं मिल रहा। और उसके बाद इस क्लिप में Realme 8 काफ़ी हद तक टक्कर रहता है A32 को, बट Realme 8 और A32 के फ्रेम में एक जैसे कहूँगा, लेकिन Redmi Note 10 S में डेडिकेटेड जो स्टेबल मोड मिलता है वो ज़्यादा बेटर काम करता है और ज़्यादा स्टेबल वीडियोज़ को प्रोवाइड करता है। तो चलते अपने अल्ट्रा वाइड सेंसर की तरफ, और अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तीनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड सेंसर से भाई, और फील्ड ऑफ व्यू को चेक करते हैं। और लेट सपोज आप इस एरिया में आते हो और आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है,
तो भाई फील्ड ऑफ व्यू का आपको अंदाजा होगा। और आई थिंक सो कि यहाँ पर सैमसंग का जो फील्ड ऑफ व्यू है मुझे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मली हमें सैमसंग के जो सेंसर हैं उनमें फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भाई इस तरह के सीन मिलेंगे आपको, और चढ़ना मुझे थोड़ा सा होगा, प्रॉब्लम होगा चढ़ते हुए। खैर तो ये है अल्ट्रावाइड सेंसर की क्वालिटी, डायनामिक रेंज और फील्ड ऑफ व्यू क्लियरली आपको जो है यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा। चलते हैं अपने कुछ पिक्चर्स की तरफ, बात करते हैं कुछ स्लो मोशन की और बात करते हैं कि भाई यहाँ पर और हमें मजीद फोन में क्या डिटेल देखने को मिलती है। अब अगर स्लो मोशन की बात की जाए तो भाई A32 हमें ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, फ्रेम्स अच्छे हैं, स्मूथ है। हाँ, रियलमी 8 का जो स्लो मोशन है वो ज़्यादा स्लो है, क्योंकि कई लोगों को पसंद आने वाला है, बट रेडमी नोट 10 है स्लो मोशन में मुझे स्ट्रगल करता हुआ मिला। और फ्रंट साइड पर सिर्फ रियलमी 8 से आप स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी दोनों फोन से नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो ये तो बात होगी स्लो मोशन और वीडियोस की, चलते अपनी पिक्चर्स की तरफ। अब अगर सेल्फी पिक्चर्स की बात की जाए तो भाई यहाँ पर रेडमी नोट 10S का जो स्किन टोन है वो हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। रियलमी 8 थोड़ा सा ब्राइटर इमेज प्रोवाइड कर रहा है, और वहीं जो हमारा A32 है उसके ऊपर जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ी आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा वार्म सेचुरेशन हमें फील हो रहा है। बाकी डिटेल इन एरियाज में तो भाई नॉर्मल से नॉर्मल कैमरा भी बेटर काम करता है, बट रियर की डिटेल यहाँ पर रेडमी नोट 10S और रियलमी स्लाइटली बेटर है। A32 थोड़ा सा ब्लोन आउट कर गया रियर साइड पर, बट डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर। यहाँ अगर आप कैप जो मैंने पहनी हुई उसकी डिटेल की बात करेंगे तो A32 में ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही है स्किन टोन। रेडमी नोट 10S थोड़ा सा ओवर ब्राइटर, या रियलमी के UI में भाई हमें यही रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस आपकी अपनी, वरल आपको कौन सी पसंद आ रही है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बात करते हैं अगली पिक्चर की, तो सेम वही कंडीशंस है, यहाँ भी A32 ज़्यादा बेटर काम करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि कैप देख रहे हैं, कैप में कोई भी हमें जो है डिटेल लॉस नहीं देखने को मिल रही। रेडमी नोट 10S ने कैप पे भी डिटेल को लॉस किया, इवन रियर साइड पर भी ज़रा डिटेल काम कैप्चर की, और रियलमी 8 में एज यूजुअली वही हमें ब्यूटिफिकेशन थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। काफ़ी हद तक नेचुरल टोन A32 बैलेंस कर लेता है, और A32 में आपको वाइड एंगल सेल्फी का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आप पोर्ट्रेट और सिंपल के साथ कैप्चर कर सकते हो। अगली पिक्चर पोर्ट्रेट शॉट, सेम पोजीशन में भाई, तो यहाँ प्रेफरेंसेस बहुत चेंज हो जाएंगी। अब किसी कुछ पर्सन को जो है वो थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन पसंद आती है, और किसी पर्सन को ज़रा नेचुरल लुक प्रोवाइड जो है वो फ़ोन की पसंद आती है। तो यहाँ मुझे पर्सनली रियलमी 8 ज़्यादा बेटर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इवन बुके तीनों ही फ़ोन ने ठीक डिटेक्ट किए हैं, लेकिन रियलमी 8 में आप देखेंगे तो कैप भी सही फोकस्ड है, थोड़ा सा ब्लोन आउट कर गया रेडमी नोट 10S कैप को। हो सकता है कि कोई AI का इशू हो, बाद में ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाए, बट जो जैकेट की डिटेल है वो रेडमी नोट 10S में ज़्यादा बेटर मिल रही है। और वहीं A32 भी भाई कैप में ज़्यादा डिटेल नहीं प्रोवाइड कर सका, तो इस कंडीशन में रियलमी 8 स्लाइटली बेटर निकल कर आता है। अगेन इस पोर्ट्रेट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा A32 और रियलमी 8 थोड़ा सा बेटर है। रेडमी नोट 10S को भाई ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी ज़रूरत है, एजेस ज़रा डिटेक्ट नहीं कर पाता पोर्ट्रेट में। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है रेडमी नोट 10S के फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट को लेके। और ओवर प्रेफरेंसेस बहुत चेंज हो जाती हैं जब हमें स्किन टोन के ऊपर आना होता है, ज़्यादा डिटेल पर आना होता है, और एक मिड रेंज फोन से हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते भाई, कहीं कहीं डिटेल में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आफ्टरऑल एक सिंगल कैमराज हैं, पोर्ट्रेट्स आपके सामने हैं। इस पोर्ट्रेट में भी रियलमी 8 काइंड ऑफ गुड कैप्चर पिक्चर्ड है, मतलब पूरा आपका हेड जो है वो फोकस में है, रियर साइड बुके में है। तो यहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा रियलमी 8 बेटर काम करता है, लेकिन A32 भी भाई यहाँ पर कहीं भी किसी से कम नहीं है। नोट 10S को अपडेट की ज़रूरत है। डायनामिक रेंज की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा में मुझे थोड़ी बहुत बेटर लगी रियलमी 8 की, बट रियलमी 8 अमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि डिटेल लॉस भी कर जाता है। डिपेंड करता है कि आप अगेंस्ट द सनलाइट डायनामिक रेंज जो है वो चेक कर रहे हैं या पिक्चर को कैप्चर कर रहे हैं। A32 भी यहाँ पर ठीक काम करता हुआ मिला, लेकिन रेडमी नोट 10S में थोड़ी सी डायनामिक रेंज मुझे कम देखने को मिली। आते हैं रियर पिक्चर्स पर। अब ये नॉर्मल मोड से ली गई है, कोई भी डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल मैंने ओपन नहीं किया हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ रेडमी नोट 10S में डिटेल और स्किन टोन आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही है, थोड़ा सा वार्म सेचुरेशन रहा A32 में, और वहीं रियलमी 8 भी रेडमी नोट 10S की तरह ठीक काम करता हुआ मिला। तो इस कंडीशन में मुझे जो A32 में स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म सेचुरेटेड मिल रही है, लेकिन अगर फुल चेहरे की डिटेल की बात करते हैं तो रेडमी नोट 10S ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। क्लोजअप शॉट की बात करते हैं तो यहाँ भी मुझे जो है रेडमी नोट 10S के अंदर जो स्किन टोन है, स्किन का टेक्सचर है, स्किन की डिटेल है वो ज़्यादा बेटर मिली। इवन अगर A32 की पिक्चर की बात करता हूँ तो कैप में डिटेल ज़्यादा है, कैप में डिटेल लेनी है तो भाई A32 ठीक है। बाकी ओवरऑल रियलमी 8 ज़रा स्किन टोन थोड़ी सी चेंज कर देता है, थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन आप देखेंगे रेडिश टोन हमें देखने को मिल रही है, बट काफ़ी हद तक नेचुरल स्किन टोन जो है वो रेडमी नोट 10S और गैलेक्सी A32 प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन रियर का जो हल्का फुल्का बुके होता है जो क्लोजअप शॉट में हम लोग देखते हैं वो भी हमें तीनों ही फोन में ठीक देखने को मिल रहा है। अब इस पिक्चर की बात करते हैं तो डायनामिक रेंज रियलमी 8 और A32 की बेटर है, रियर साइड ब्लोन आउट करता है थोड़ा सा रेडमी नोट 10S, सनलाइट ज़रा बैक पर स्काई में ज़्यादा होती है तो हमें ये चीज़ें देखने को
मिलती हैं। अगेन डायनामिक रेंज की बात करते हैं तो A32 और Realme 8 ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू Note 10s, बट यहाँ जो ग्रीन टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा आई कैची है Realme 8 में, थोड़ा सेचुरेटेड भी कहेंगे आप, क्योंकि आजकल हमें इस तरह की पिक्चर्स भी पसंद आती हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि Realme 8 उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगा जिनको सेचुरेटेड पिक्चर्स पसंद आती हैं, जिनको थोड़े से कलर बूस्टेड पसंद आते हैं, बाकी नेचुरल टोन जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, स्टेबल रखते हैं Redmi Note 10s और A32। पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं रियर की, तो यहाँ पर एजेस कहीं कहीं मुझे डिस्टॉर्शन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि Realme 8 में भी आपको थोड़ा बहुत हैंड्स के जो बाजू हैं वहाँ पर आपको जो एजेस हैं वो ज़रा शार्प देखने को नहीं मिलेंगे। ऑल दो Redmi Note 10s भी ठीक काम कर रहा है और यहाँ पर A32 भी काम कर रहा है सही, लेकिन जो शेडोज़ को सही हाईलाइट किया है वो Redmi Note 10s ने किया है, स्किन टोन को नेचुरल रखा है, टेक्सचर और जो कलर्स हैं उनको काफ़ी हद तक नेचुरल रखा है। जो A32 है वो थोड़ा सा ब्राइटर कर गया इमेज को और डिटेल ज़रा कम प्रोवाइड की। इस पोर्ट्रेट में भी आप नोटिस करेंगे तो हमारा जो Realme 8 है वो स्लाइटली बेटर है, बट एजेस कहीं कहीं स्ट्रगल करता है, बट मिड रेंज सेगमेंट से मैं ज़्यादा गिला नहीं करता। एटलीस्ट यहाँ पर अच्छी जो पिक्चर्स हैं वो हमें देखने को मिलती है, और खासकर ऐसे एरियाज में जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा हो, जहाँ पर अपर्चर कम हो, वहाँ हमें डिफरेंट शेड्स में डिफरेंट क्वालिटी देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में Realme 8 A32 ज़्यादा बेटर रहे Redmi Note 10s से। Redmi Note 10s ने चेहरे की डिटेल को ज़्यादा अच्छा कैप्चर नहीं किया। अगेन ये भी पोर्ट्रेट पिक्चर है, तो यहाँ Redmi Note 10s का टेक्सचर देखेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बोथ अदर फोन्स। तो माइक्रो शॉट्स पर आते हैं, अब ये माइक्रो शॉट्स कोशिश तो की थी काफ़ी स्टेबल कर सकूँ, हवा चल रही थी, बट यहाँ पर जो माइक्रो शॉट्स के 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर हैं वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस कंडीशन में अब ये कैप के ऊपर स्नो पड़ी हुई थी, ड्रॉप्स थे, वाटर ड्रॉप्स थे, तो यहाँ पर Redmi Note 10s ने ठीक कैप्चर किया है, लेकिन किसी किसी जगह पर हमारा A32 भी गुजारा कर जाता है मेक्रो शॉट में। बाकी ओवरऑल कलर टोन्स थोड़ी सी सैचुरेटेड रखता है हमारा Realme 8, और अदरवाइज Redmi Note 10s ने भी मेक्रो शॉट्स की जो डिटेल है वो ज़्यादा अच्छी कैप्चर की है। स्नो की डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ भी A32 मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है, काफ़ी हद तक नेचुरल टोन को प्रोवाइड किया मेक्रो शॉट में, बाकी ओवरऑल प्रेफरेंसेस आपकी अपनी है। अब आपको कौन सा बेटर लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो भाई तीनों फोन्स किसी ना किसी कैटेगरी में एक दूसरे को टक्कर जरूर देते हैं, बट अगर आपको आप एक ऐसा पर्सन हो जो कि नेचुरल लुक लेना चाहता है और जिसको स्टेबलाइजेशन वीडियोस चाहिए तो आप Redmi Note 10s की तरफ जा सकते हो, वरना अगर आपको जो है बूस्टेड कलर पसंद आते हैं तब आप Realme 8 की तरफ जा सकते हो। इवन आपको फ्रंट साइड पर स्लो मोशन भी मिलता है, रियर साइड पर 4K 30fps और 1080p 60fps भी मिलता है, जो कि A32 में देखने को नहीं मिलता। तो मेरा ये ओपिनियन है कि भाई Realme 8 और Redmi Note 10s एक प्रेफरेंस रखिएगा पहले नंबर पर, वरना अगर आप सैमसंग के यूजर हैं तो आप A32 की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको नेचुरल लुक पसंद आती है। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।